नमस्कार साथियों, मेरा नाम अब्रुकला में यूट्यूब चैनल स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा कि दीक्षा ऐप के माध्यम से आप निष्ठा प्रशिक्षण कर रहे हैं, इसके दौरान आपको अनेबल टू लोड कंटेनर बता रहा होगा, तो आप कैसे इसका समाधान करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में लाइव में करके बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी चैनल पर यूजफुल वीडियोस अपलोड होगी इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आ जाना है दीक्षा एप्लीकेशन पर। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं इसमें बताऊंगा कि उसका समाधान आप कैसे करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तब जाके आपके समस्या का समाधान होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको। तो इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लाइक करते तो नहीं किए तो आपको आ जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, उस कोर्स में आ जाएंगे। जैसे कि हम क्लिक किए हैं तो अब ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोर्स पांचवा का ही हम पर क्लिक करके दिखा देंगे आपको। उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो उसका कंटेंट है हमको क्या करना है, रीड करना है। तो मेरा कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, सेम उसी तरह आपका भी प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो क्लिक करने के बाद तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाले ही कंटेंट है उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इसी में प्रॉब्लम अधिकों का आता है, मेरा भी आया था, हो सकता है कि अब अगला में भी आता होगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद देखते हैं कि आ रहा है इंटरफेस, लाइव में दिखाऊँगा आपको। वीडियो को लाइक कर दें तो दिखा रहा है अनेबल टू लोड कंटेंट। तो इसका समाधान आप कैसे करना है, तो आपको आ जाना है बैक। ठीक है, बैक आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन अभी लाइव करके बताएंगे आपको। बैक आने के बाद फिर ठीक है पर क्लिक करेंगे तो बैक हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जिसमें प्रॉब्लम आ रहे थे उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में तीन ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं। हटाएँ आ रहा है, शेयर करें और रेटिंग करने का भी ऑप्शन आ रहा है। तो हमको करना है क्या है कि डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। मतलब मैं जो डाउनलोड कर रहा था तो डाउनलोड नहीं हुआ। अब दोबारा से क्या करेंगे, उस कोर्स पे जाएंगे जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहे थे उस पर क्लिक करके, जो कि जैसा कि मैं कर रहा था कोर्स निर्देशन पर, उस पर क्लिक करके दोबारा से चलाएँगे तो फिर ओपन हो जाएगा, कोर्स रीड हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त नेटवर्क वीक रहने के कारण जो डाउनलोड नहीं हुआ था लेकिन अब हो जा रहा है। तो यही है इस समस्या का समाधान। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। Thanks for watching.